मीरा एज 18 ईयर्स अपनी स्टडी डेस्क पर बैठी हैं टेक्स्ट बुक्स का ढेर लगा है फ्लैश कार्ड्स फर्श पर बिखरी हुई हैं उसका फ़ोन बार बार बज कर रहा है वो नोटिफिकेशन देखते हुए सिग करती हैं बिग फैमिली चैट के से तीस अनरेड मैसेज हैं मीरा तेज इरिटेट हो जाती है फिर से यार ये क्या है इतना ज्ञानी लोग सब मेरी फैमिली में क्यों हैं वो चैट खोलती है यह एमोजीज़, फॉरवर्डेड जोक्स और आंट रधा के वेलनेस टिप्स से भरा हुआ है मेरा डेस्परेट होकर स्क्रॉल करती है, होपिंग फॉर सम ब्रेक इन द नॉइज मेरा सोचती है द ग्रेट इंडियन फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप प्यार अनसोलिसिटेड एडवाइस और इतना प्रेशर कि डायमंड भी टूट जाए अचानक उसका फोन नए मैसेज के साथ फट पड़ता है यह उसके अंकल धर्मपाल का मैसेज है धर्मपाल फोन टेक्स्ट मेरा बेटा एग्ज़ाम्स कैसे चल रहे हैं याद है ना तुम्हारी कज़न ने पिछले साल नाइन्टी एट परसेंट स्कोर किया था मेरा ग्रोन्स करती है और अपना सर अपने हाथों में दबा लेती है मैरा सोचती है एग्ज़ाम्स वो कांस्टेंट रिमाइंडर कि तुम्हारा सेल्फ वर्थ बस एक तीन घंटे की टेस्ट पर डिपेंड करता है मेरा डेस्परेटली स्टडींग इंटरस्पर्स विथ मैसेजेस पॉपिंग अप ऑन हर फोन पढ़ाई नहीं करनी शरी कर ले लड़के देख लून क्या ग्रैंड मा लक्ष्मी अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म मोटिवेशनल क्व फ्रॉम डैड विद अ सनराइज इमोजी इफ यू वॉन्ट गुड कॉलेज देन स्टडी शुड बी ओनली फोकस प्रेशर फ्रॉम मॉम अ कंपनी बाई होप इमोजी मीरा सोचती है फ्यूचर के बर में नेवर एंडिंग क्वेश्चन जैसे हम सब कुछ फिगर आउट कर चुके हैं मीरा डिनर टेबल पर अपने एक्सटेंडेड फैमिली के साथ बैठी है उसका फ़ोन टेबल के नीचे छुपा है पर फिर भी बस कर रहा है वो अंडर नीचे देखती हैं आंटी प्रीति मीरा, इतनी चुप क्यों हो तुम एग्ज़ाम्स के लिए तो बहुत एक्साइटेड होगी मीरा नकली स्माइल देते हुए हाँ आंटी बहुत एक्साइटेड अंकल धारम कहते हैं तुम थोड़ी पतली लाग रही हो बेटा क्या तुम ठीक से खाना खा रही हो पढ़ाई के लिए हेल्थ का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए मेरा एक बाइटे राइस जबरदस्ती खाती है फीलिंग सफोकेटेड बाय देयर कंसर्न मेरा परेशान हो जाती है नो सी गिल्ट ट्रिप्स और अनसोलिसिटेड एडवाइस के मास्टर्स ये सब फैमिली वाले बेडरूम में रात को मीरा फाइनली सिलेबस ख़त्म करती है और थककर अपने बेड पर गिर जाती है उसका फ़ोन उठाती है और सोशल मीडिया स्क्रॉल करती है उसके फ्रेंड्स की पार्टी और ट्रेवल की पिक्चर्स स्क्रीन पर भरी हुई हैं मीरा सोचती है मीन मेरा सोशल लाइफ एक गोस टाउन हो गया है एक आंसू उसकी गाल पर से गिरता है वो इसे वाइप करती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड को टेक्स्ट करती है मीरा पी ओन एनीवन एनी वन अ एंड बडी यार फी ओन बजता है डिंग, डिंग, एक नया मैसेज पॉप अप होता है ये फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप का मैसेज है ग्रैंड लक्ष्मी पी होन टेक्स्ट स्वीट ड्रीम्स मेरा याद रहे हार्डवर्क ऑलवेज पेज ऑफ मेरा मैसेज को घूरती है एक छोटी सी स्माइल उसके होठों पर आती है मीरा सोचती है शायद फैमिली इतनी बुरी भी नहीं है पर इरिटेटिंग है अभी के लिए नेक्स्ट मॉर्निंग मीरा अपने फोन के बज़िंग से उठती है उसे फिर एक और फैमिली मैसेजेस के ऑन स्लॉट का दर है पर इस बार फ्रेंड्स के ग्रुप टेक्स्ट आता है बेस्ट फ्रेंड फोन टेक्स्ट स्टडी ब्रेक एट द यूजुअल कैफे इन एन आवर माय ट्रीट मीरा की स्माइल और बढ़ जाती है वो जल्दी से रिप्लाई करती है कम्फी क्लोथ्स पहनती है और क्विक ब्रेकफास्ट लेती है। कैफे में अपने फ्रेंड्स के साथ स्टीमिंग कप्स ऑफ चाय के साथ मीरा के कंधों से एक भारी बोझ उठता है मीरा गाइज आई डोंट नो वॉट आई डू विदाउट यू जोगिंदर दैट्स वट फ्रेंड्स आर फॉर बीसाइड्स अ लिटिल ब्रेक वोंट हर्ट स्मिथा जस्ट प्रॉमिस यू वोट टेल आंटी राधा अबाउट अ चाय सब हंस पढ़ते हैं जैसे मीरा अपने फ्रेंड्स के साथ बातें और हंसी मजाक करती हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट रियलाइज करती हैं मीरा सोचती है फैमिली कभी कभी ओवरवेलमिंग होती है पर वो डीपली केयर भी करते हैं और ट्रू फ्रेंड्स हमेशा सपोर्ट करते हैं इवन ज्यूरिंग एग्जाम सीजन Mira studying alongside her friends at the cafe, interspersed with supportive messages from her family. We believe in you, Mira. Mom and Dad, sending good vibes your way. Aunt Pretty with a peace sign emoji. Just do your best. We're proud of you, no matter what. Uncle Dharampal, Mira sochti hai. Finding balance is key. Exams, family. और फ्रेंड्स को जगल करना मुश्किल है पर थोड़ी सपोर्ट और बहुत सी हंसी के साथ हम जेन जी किड्स इस सब को पार कर लेंगे बींग अ जेनजी किड इन कम्स विद इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंजेस बट रिमेम्बर आर नॉट अ लोन लीन ऑन योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू टेक ब्रेक्स एंड हैव सम फन अलॉन्ग द वे यू गॉट दिस हि इज अ ग्लिम्प्स Into how Gen Z might see family WhatsApp groups, the never ending sea of greetings, endless good morning, flower gifts from unknown aunties and uncles, the family brag board, constant updates from distant relatives about their kids' academic achievements, job promotions, or vacations in exotic locations, the emoji extravaganza, a barrage of emojis used in place of actual words fire emojis for good news skull emojis for bad news and crying laughing emojis for everything else the passive aggressive minefield seemingly innocent messages that somehow manage to spark family drama the information black hole asking a simple question like what time is dinner disappears into the abyss with no response the formal trap Seeing pictures of elaborate family gatherings you weren't invited to. The accidental group therapy session. Deep personal confessions meant for a significant other accidentally broadcasted to the entire family. The meme graveyard. Outdated memes and minion jokes shared by well meaning but technologically challenged grandparents. The ghost town long periods of silence punctuated by the occasional awkward birthday message. The escape hatch, the constant temptation to mute notifications or even leave the group entirely, but facing the social consequences. Gen Z versus family chat group, kabhi irritating story hai or kabhi overloaded inspirations ka pitara par jo bhi ho, फैमिली चैट ग्रुप की खट्टी मीठी बातें लाइफ में रंग भरे रखती हैं